Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code 29A, Electronic Record, Section 2. Cyberstalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyberstalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकती हैं मैंने यहाँ पे डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dell.com/support/home/in/ ये जो है ना, इसमें ये मैंने ओपन कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने सर्विस टैग जो है डेल, मान लो कि किसी भी लैपटॉप का आपका बायोस को करना है, या तो फिर आपका जो लैपटॉप है उसमें बायोस लॉक हो चुका है तो उसका पासवर्ड आपको याद नहीं है, तब भी आप बायोस करने से आपका वो अनलॉक हो जाता है, ठीक है। या तो फिर कभी कभी बायोस डेड होने से लैपटॉप चार्जिंग और नो पावर प्रॉब्लम दिखाई देता है, ठीक है। तो इस हालत में बायोस को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डेल की वेबसाइट में जाइए ऑफिशियल, उसके बाद वहाँ पे आपका सर्विस टैग नंबर जो है वो सबमिट कीजिए, और उसके बाद आपको वो उसका स्पेसिफिक ड्राइवर ओपन हो जाएंगे। तो वो ड्राइवर डाउनलोड्स एंड ड्राइवर जो मेनू में जाएंगे, उसके बाद ये देखिए आपको दिखा रहे हैं 3542 का ये मॉडल नंबर है, और यहाँ पे सर्विस टैग वगैरह सब दिखा रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो है कैटेगरी में हम जाएंगे, और यहाँ पे हम बायोस को सिलेक्ट करेंगे। तो बायोस को सिलेक्ट करने से सिंपली इसमें बायोस का जो फाइल है तो ये ओपन हो जाएंगे। तो ये जो बायोस है ये कौन सी मॉडल में काम करता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है 3442 3542 5748 सिस्टम बायोस। तो ये सिस्टम बायोस ये इस मॉडल में काम करता है, तो सिंपली हम इसको डाउनलोड कर देंगे। तो इस तरीके से इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करके डेस्कटॉप में लाएंगे, और डेस्कटॉप में लाने के बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, तो मैं सो इन फोल्डर करूँगा और यहाँ से इसको काट करूँगा। ये काट करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप में पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में पेस्ट किया, ये जो फाइल डाउनलोड किया 3442A14, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक्सट्रैक्ट करना होगा आपको। अगर आप अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, मतलब राइट भी नहीं कर सकते। ये .exe में है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यू कैन सी इट्स .exe फाइल टाइप, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, और फिलहाल अभी हम यहाँ पे विंडोज R दबाएंगे। दबाने के बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, उसके बाद CD स्पेस DESK डेस्क TOP डेस्कटॉप, उसके बाद एंटर दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये फाइल है आपका, तो ये फाइल को आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम में तो इसलिए हैंग हो रहा है, क्योंकि लगभग 2 महीने से ऑफ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये मैं रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे ये ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है, ये जो यहाँ पे टाइटल्स है ये सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे, काट नहीं करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल वी से ये पेस्ट नहीं होता यहाँ पे। तो हम इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, तो उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद स्लैश, उसके बाद लिखेंगे राइट रॉम फाइल। तो WRITE राइट एक साथ में नो स्पेस ROM रॉम फाइल FILE फाइल। तो हम इसको ऐसे एंटर दबाएंगे, तो दबाने के बाद ये एक यस मांगेंगे, तो हम इसको यस करने से यहाँ पे नीचे में आ जाएंगे। ये देखिए आ चुका है ये रॉम फाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बाजू में लगा देते, देख सकते आप। और अब मेरे बाहर की तरफ आपको दिखना होगा, सिस्टम से बाहर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ से तो आपको ये ओपन वगैरह करना होगा, लेकिन उससे पहले बायोस को कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके से जो मैंने दिखाया कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ये एसएमडी बायस को कैसे इसके साथ अटैच करते हैं, और अटैच करने के बाद इसमें कैसे ये बायस को राइट करते हैं जो आपने एक्सट्रैक्ट करके अभी रॉम फाइल बनाया, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो इसको आप देख लीजिए, ये जो है एडाप्टर, तो हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा एक नया बायोस का चिप यहाँ पे ले लूंगा, तो ये नया है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये इसमें कोई भी सोल्डरिंग नहीं किया हुआ। सिंपली इसको हम किस तरीके से सेटअप करेंगे वो आपको आज मैं दिखाऊंगा। तो ये है विंड वॉन्ट का चिप जो कि आप देख सकते हैं नॉर्मली, तो हम फिलहाल इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे देखिए एक गोल धब्बा जैसा लग रहा है, ये होल जैसा है, तो ये इसका सिंबल है। ये इधर से फास्ट विंड स्टार्ट होता है, और ये हम इसको कैसे लगाएंगे, जैसे हम बड़ा वाला वायस को लगाएंगे लगाए थे वैसे इस तरीके से, ये इस तरीके से रहना होगा। तो यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे हम, एडाप्टर के जरिए लगाएंगे। तो ये जो एडाप्टर है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है, और इस तरीके से डालने के बाद ये लॉक हो जाता है, देखिए ये गिरता नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लग चुका है आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आपको लगाना होगा, और ध्यान से देखिए, इसको गलत कर देने से आपका चिप भी खराब हो सकता है, और जो सीरियल आईएसबी प्रोग्रामर है ये भी खराब हो सकता है। तो इस तरीके से जो सिंबल है, सिंबल जैसे है वैसे ही हम लगा देंगे ऐसे ऊपर की पोर्शन में, क्योंकि ये 8 पिन का है, तो 8 पिन के लिए ऊपर का पोर्शन है, तो हम इस तरीके से इसको लगा देंगे और ऐसे इसको रखेंगे, और आप जाएंगे सिस्टम की तरफ। तो चलिए सिस्टम की तरफ जाते हैं और ये काम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सिस्टम में नॉर्मली जैसे डेस्कटॉप के बायस में हम लोगों ने किए थे स्मार्ट आइडेंटिटी स्मार्ट आईडी, तो उसमें हम क्लिक करेंगे, ठीक। तो वो मैंने रेंडरिंग करके लगा दिया थे तो इसलिए ऐसे वो आ चुका था। तो देखिए यहाँ स्मार्ट आइडेंटिटी पे हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये चिप करने लगेगा, और रीड करने के बाद अगर इसमें एरर आता है तो आप दोबारा चिप को लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे दिखाई रहे, ये तो मेरा जो सेटअप है उसका, ठीक है। तो ये ऑटो आइडेंटिटी यहाँ पे 2525 सीरीज का है, कैपेसिटी 64 मेगाबाइट का, ठीक है। तो हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, तो डेस्कटॉप से हम इसको उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप में क्या है 3442A जो मॉडल है उसको आपको ढूंढना है, मतलब ये वाला जो मॉडल है इसको आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ये अगर आप ढूंढना चाहते तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ये तो EXE में है, और यहाँ पे ये जो है ये 8MB का है, 3442A14 जो ये मॉडल का है। तो हम इसको ओपन करेंगे, डॉट रोम में है आप देख सकते। तो यहाँ पे अगर हम डॉट रोम को या तो फिर बीन तो डॉट रोम को सिलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ये जो रोम फाइल है वही दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। चलो हम इसको ओपन तो कर लिया, और ये नया है इसीलिए हम इसको इरेज नहीं करेंगे। अगर आप पुराना बायोस का चिप यूज़ करें तो आप इसको इरेज करने से हो जाता है। तो हम इसको सिंपली ओपन करने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे स्टेप्स होने लगेगा, और ऑटो इरेजिंग फिर से करेगा, और ये राइटिंग हो जाएंगे। तो ये देखिए राइटिंग अभी जो नॉर्मल वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ऑटो वेरीफाई होना जरूरी है, जब ऑटो वेरीफाई में फेल हो जाता है तो आपका वो बायोस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और आप उसके बाद प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये राइट हो चुका है, कितना टाइम लगाया क्या क्या किया ये सब दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बाफर में जाके देखेंगे प्रोग्राम कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेक्स में, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें प्रोग्राम है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये और भी प्रोग्राम देखने में मिलेगा, आप देख सकते हैं।
लेकिन कुछ जगह पे एफएफ दिखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब है, ठीक है। तो ये एफएफ मतलब कि वो जगह खाली है, लेकिन जहाँ पे ऐसे कोड वगैरह आता है वो है आपका नॉर्मल एरिया जहाँ पे वो राइट हो चुका है कोड। और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, देखिए 001120 50 ऐसे करके 6070 ऐसे, ये एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ASC2, तो यहाँ पे ऐसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो दिखाना था डेल को, डेल का जो बायोस है उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल मतलब कि राइट करते, वो मैंने दिखा दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए, जैसे कि दूसरा मदरबोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड का बायोस कैसे डाउनलोड करते, या तो फिर LCD मॉनिटर का बायोस को कैसे डाउनलोड करते, पर हर बायोस आपको नहीं मिलता है, कभी कभी खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो डेल का तो फ्री में मिलेगा, डेल HP जो नया लैपटॉप का है ये सब तो फ्री में मिलेगा, लेकिन पुराना मॉडल का आपको शायद खरीदना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड बातें करेंगे बाद में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि भाई आपको क्या लगेगा, ठीक है, मतलब क्या जानना चाहिए आपको। तो ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे तो उसी कमेंट्स के बारे में हम विचार करके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ नहीं बताऊँगा, चलो लव यू ऑल।